हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा प्लॉट साइज है वो 24 फिट बाई 70 फिट का प्लॉट साइज है, जिसको हमने चार रूम के साथ प्लान किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस प्लान को डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारा रोड है, यहाँ से हमारी एंट्री है, ये अपनी 9 फिट की एंट्री रहेगी। फ्रंट पर ये अपना बरामदा है, ये पूरा अपना बरामदा रहेगा। यहाँ से ये अपना स्टेयरकेस है, स्टेयर के नीचे से आप पास कर सकते हैं, तो इस तरफ आप लॉबी में जा सकते हैं। यहाँ से एक एंट्री है ड्राइंग रूम के लिए, आपके जो भी गेस्ट हैं आप उनको यहाँ बिठा सकते हैं। 19 फिट 3 इंच बाई 13 फिट का ये अपना ड्राइंग रूम है। यहाँ इसका विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और ये इसमें सोफ़ा स्टूल रहेगा। यहाँ से ये अपना पूरा लॉबी स्पेस है 11 फिट 3 इंच बाई 17 फिट का, यहाँ से और यहाँ तक का। इस साइड अपना किचन है, यहाँ से एंट्री है 10 फिट 10 इंच बाई 8 फिट 9 इंच का, ये बहुत ही शानदार किचन है। ये इसमें प्लेटफॉर्म है, यहाँ इसका विंडो है वेंटिलेशन के लिए। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये अपना पहला बेडरूम रहेगा 10 फिट 10 इंच बाई 14 फिट का, जिसमें इस तरफ भी आपके लिए अलमीरा मिलेगा, इस तरफ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ अपना टीवी यूनिट, ये इसका विंडो रहेगा। इस पैसेज के सामने इस साइड अपना ओपन स्पेस है 4 फिट बाई 5 फिट 7 इंच का, यहाँ आप देखेंगे इस साइड अपना लेट रहेगा 5 फिट बाई 4 फिट का, इस तरफ अपना बाथ रहेगा 5 फिट बाई 5 फिट का। दोनों का प्रॉपरली वेंटिलेशन इस वाले ओपन एरिया से रहेगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो इस साइड आप देखेंगे ये अपना बेडरूम है, दूसरा 11 फिट 3 इंच बाई 14 फिट 6 इंच का, जहाँ ये बेड की पोजिशन, यहाँ पर हमने अलमीरा दिया है। ये अपना टीवी यूनिट, यहाँ इसका विंडो है, क्योंकि पीछे की साइड भी एक अपना ओटीएस एरिया रहेगा। तो यहाँ से एंट्री सबसे लास्ट बेडरूम में 10 फिट 10 इंच बाई 14 फिट का ये अपना बहुत ही शानदार बेडरूम, जिसमें बेड की पोजीशन, अलमीरा, टीवी यूनिट, और यहाँ से एक डोर दे रखा है। इस डोर के थ्रू आप पीछे ओटीएस में जा सकते हैं। इस वाले ओटीएस से दोनों बेडरूम का प्रॉपरली वेंटिलेशन रहेगा। गर्मियों के सीजन में आप यहां से विंडो एसी, कूलर आसानी से लगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपके लिए ये प्लान अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर पर। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।